तो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल MM एक्सपेरिमेंट्स। तो यार पिछले वीडियो को आप लोगों ने जरूर से देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो जाके देख लो। पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, सोडियम मेटल का एक टुकड़ा लिया था और उसको पानी से भरे हुए घड़े में डाल दिया था। तो आप लोगों ने देखा कि कितना भयंकर ब्लास्ट हुआ था, वो मटके का तो पूरा चिथड़ा चिथड़ा हो गया था। तो आज क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा सोडियम मेटल हमारे पास बचा हुआ है तो इसको क्या करेंगे, सीधे ही तालाब में फेंक देंगे। आप देख रहे हो इस तालाब में। तो आज की वीडियो में सीधे ही सोडियम मेटल को इस तालाब में फेंक देंगे, फिर देखते हैं वीडियो के अंदर कितना मजा आता है और कितना बड़ा ब्लास्ट होता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ट्रिक दिखाना चाहता हूँ जो आप लोग अपने दोस्तों के साथ कर सकते हो, बाकी करना मत, ट्रिक सी है, मैं दिखा रहा हूँ। नॉर्मली क्या करते हो आप लोग, सिगरेट को माचिस से जलाते हैं और मैं इसको पानी से जला के दिखा रहा हूँ आपको। आ जाओ इधर, इधर आ जाओ। देखना गाइस, मेरे हाथ में कोई माचिस वगैरह कुछ भी नहीं है, नॉर्मली सिगरेट है, मैं पीता नहीं हूँ। जल गया है ना कमाल का, पी के दिखाऊं। एक्चुअली मैं पीता नहीं हूँ। तो कैसा लगा ये ट्रिक, दोस्तों के साथ जरूर से आजमाना। इसका ट्रिक तो मैं नहीं बताऊंगा यार, खतरनाक है, हो सके तो अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो के आगे, आप लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक और हम करते हैं सोडियम को इसमें फेंकने की तैयारी। तो गाइस ऑल सेट, देख लो सोडियम मेटल को हमने एक पत्थर से बांध रखा है ताकि ये पानी में अच्छे से डूब जाए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हम लोग बढ़ते हैं वीडियो के आगे। तो चलो इसको फेंकते हैं, 1 2 3। तो गाइस देखा आप लोगों ने, सोडियम मेटल बहुत ही ज़्यादा अंदर चला गया जिस वजह से जो साउंड है वो बाहर नहीं आ पाया, लेकिन आप पानी के उछाल से देख सकते थे कि कितना बड़ा ब्लास्ट हुआ होगा। बाकी बहुत अंदर चला गया, तालाब बहुत गड्ढा है इसलिए तो फटने का आवाज़ उतना ज़्यादा नहीं आया, लेकिन आप लोगों ने पानी का उबाल देख के समझ सकते हो कि कितना भयंकर तरीके से फटा होगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।